नमस्कार आदाब एक मुलाकात में फिरों से तो लोग के स्वागत करत हैं जा आज हमनी एगो खास विषय लेके तोहर सामने आल हैं जा दिसंबर के महीना जहाँ पर ही सालान्त के समारोह खरीदारी और जश्न त्यौहार खातिर मशहूर बातें हुए पर ही मर्शस में दिसंबर के महीना गर्मी खातिर भी खास बा सालांत के दिन हमनी बहुत पार्टी सब करी ला जा खास व्यंजन के सेवन करी ला जा और बहुत हद ले कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडा पी लो जा कहे कि बहुत गर्मी है के हमने के स्वास्थ्य पर कौन प्रकार के असर पड़ेला एकर पर आज हम खास चर्चा करब जा और एक पर चर्चा करे खातिर हमने के स्टूडियो में हमने के मेहमान आज हवन स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रिंसिपल न्यूट्रिशनिस्ट श्रीमती साधना परगास नमस्ते साधना जी नमस्कार के प्रोग्राम में तुम तो स्वागत बाटे जैसे हम बोलनी अभी गर्मी के मौसम चलता और ऐसा में खास ज़रूरी बातें कि हमने के खान पान पर ख़ास ध्यान दे के खाए कि एक आध दिन में शायद बारिश भी शुरू हो जाए तो ऐसे में कितना ज़रूरी है तो हमने की बता कितना ज़रूरी है हमने के खान पान की आदत में बदलाव आने के जैसे कि ख़ास तौर पे आज आपका प्रोग्राम गर्मी के मौसम पे है जी और ये बदलते हुए मौसम है बदलते हुए मौसम के साथ शरीर की जो आवश्यकता होती है रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो ज़रूरतें होती हैं जी जी. उसमें भी बदलाव आता है एकदम ये शरीर की मांग होती है नहीं। हम नहीं कह सकते कि जो खाना हम ठंडी के मौसम में खाते हैं या बरसात के मौसम में खाते हैं तो हमेशा तो जो रूटीन डाइट होता है उसमें थोड़ा बदलाव तो आता है और आना भी चाहिए और हमें बदलाव करना चाहिए एकदम पॉजिटिव साइड मतलब जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आपने अभी अपने शुरुआत में कहा कि लोग कैसे गर्मी के दौर पे ठंडी जो चीजें पीते हैं ड्रिंक्स जी। जो होते हैं तो किस तरह से सही मायने में रखना चाहिए तो आपने जैसे पूछा कि ये बदलते हुए मौसम के साथ क्या बदलाव लाना चाहिए बहुत जरूरी हाँ ये सच है कि बदलाव लाना चाहिए क्योंकि शरीर की जो आवश्यकता होती है गर्मी के दिनों में तौर पे अभी हम इस दौर से गुजर रहे हैं काफी गर्मी है और ह्यूमिडिटी भी हाई है तो सबसे ज़्यादा हमारे भोजन में पानी की मात्रा और इलेक्ट्रोलाइट्स का होना बहुत ज़रूरी जिससे हमें तरोताजा और हमको कूल और हमको एनर्जी मतलब आ, एनर्जी हमारी मेंटेन करता है तो इसके लिए एक सही मायने में प्रॉपर डाइट प्रॉपर मील और खाने के तौर तरीके में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है जी साधना जी जे अभी तो बोला था कि एक वो प्रॉपर डाइट की जरूरी है हम नहीं के बताओ तो हर हिसाब से प्रॉपर डाइट ऐसी कोई बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम नहीं इसमें प्रॉपर डाइट हमेशा जब हम बात करते हैं कि एक मील एक भोजन जी, तो जब हमारे घर में हमारे रसोई में जब खाना बनता है एक परिवार का उदाहरण हम लेंगे आज जी, जी जी कि जैसे हम एक परिवार के लिए जब महिला या घर की गृहिणी या माँ कहो जो भी भोजन तैयार करती है तो परिवार में उस परिवार में कई प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब सदस्य, सदस्य होते, होते हैं छोटे से लेके छोटे बच्चों से लेके एडल्ट बड़े बुजुर्ग तो ऐसा एक परिवार होता है तो जो भी खाना बनता है तो सबके लिए अलग अलग से तो नहीं बनता नहीं, है जो जी, भी जी, सब्जी जी, आ, या दाल या जो भी चीज होती है जो तो इसमें सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना चाहिए जो हम बना रहे हमारे पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो एकदम मेरा मानना है कि जो महिला अपना मतलब जो स्प्री कहते हैं या जो सोच समझकर खाना तैयार करती है और वो बहुत ही अच्छे से मतलब कि स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपने पूरे परिवार का जी। जो महिला इस तरह से इसको सोचते हुए खाना बनाती है भोजन तैयार करती है सुबह से लेकर शाम तक का उसका परिवार हमेशा स्वस्थ और खुशनुमा रहता है जी। तो जैसे आपने मुझे पूछा कि कैसा अच्छा खाना होना चाहिए मैं पूरे परिवार को इसमें ले रही हूँ गर्मी के दौर में किस तरह का कुछ बातें तो कॉमन ही रहती वो ठंडी का मौसम हो बरसात का मौसम हो जी। या गर्मी का मौसम हो कुछ बातें बहुत ही मतलब वही रहती है उसमें नहीं बदलाव वो नहीं। क्या है सबसे पहले सबसे ज़रूरी हर सदस्य का परिवार में डाइट जो है बैलेंस होना चाहिए संतुलित होना चाहिए जिसमें कई मात्रा में न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स होना चाहिए बैलेंस का मतलब हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं आपके टेलीविजन के माध्यम से रेडियो के माध्यम से हमारी प्लेट जो है थाली जो है उसमें हर फूड ग्रुप से आइटम्स होना चाहिए जैसे कि जैसे कि एनर्जी के लिए जैसे रोटी है चावल है पास्ता है तो ये आप कितना ले रहे हैं इसकी क्वांटिटी मतलब कि मात्रा और क्वालिटी भी क्योंकि आप ज़्यादा एक्टिव है आपके मूवमेंट्स कैसे है आप हेवी काम करते हैं या लाइट काम करते हैं सेडेंटरी लाइफ है उसके मुताबिक आपको कम ज़्यादा करना है दूसरी चीज़ है वेजिटेबल्स फ्रूट्स सैलेड्स ग्रीन्स ये बहुत ज़रूरी है और इसका भी होना बहुत है खास तौर पे अभी हम गर्मी के मौसम से गुजर रहे हैं तो इसमें ये थोड़ा सा आप बढ़ा दें फिर है प्रोटीन्स वाला जो प्रोटीन्स का ग्रुप है जैसे कि है दालें दाल का होना बहुत ज़रूरी है एक बैलेंस डाइट में सुबह शाम के भोजन में और दूसरी चीज़ है जैसे हमें प्रोटीन्स आ, पोल्ट्री या फिश वगैरह से जी जी। जो भी लाव्यान है पर मेघ होना चाहिए लीन मिल्क जिसमें फैट नहीं होना चाहिए जी। और ऑफ कोर्स ये अंडरस्टूड है कि आपका बैलेंस डाइट किस तरह से बनाया वो भी ज्यादा नमक ज्यादा तेल ज्यादा चीनी ज्यादा मात्रा में नमक वगैरह नहीं होना चाहिए ये भी कि ऐसा नहीं कि हम बैलेंस मिल्क तो ले रहे हैं पर आप आपकी सब्जियों में तेल जैसे ऊपर फ्लोट हो रहा है या बहुत फैट है नमक ज़्यादा है तो इसका ख्याल रखें क्योंकि उस परिवार में सभी प्रकार के सदस्य छोटे से लेकर बढ़े था जी। बाद में हम आगे इस पर आएंगे स्वास्थ्य को लेकर भी प्रॉब्लम्स को लेकर भी ये इसके साथ फल खाना बहुत जरूरी मैं तो कहती हूँ डेजर्ट्स के रूप में दूसरे जैसे हेवी पुडिंग्स या आइसक्रीम्स वगैरह जैसे कभी कभी अभी वंस इन ए वाइल ओके बट रूटीन डाइट में जैसे कि आपने पूछा कि हमेशा का डाइट कैसा हो तो ये चीज़ों के जगह आप फलों का इस्तेमाल करें कम से कम दो तीन फल तो खाना चाहिए जो स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है स्वास्थ्य ये अपना स्वास्थ्य के लिए उन्होंने भी कहा है कि कम से कम पाँच वेजिटेबल्स और फ्रूट रोज एक व्यक्ति को खाना चाहिए जी। और मैं कहूँगी यहाँ बच्चों को भी एक अच्छी आदत देना चाहिए काफ़ी बच्चे फल और सब्जियां नहीं खाते हैं जब फल और सब्जी की बात तो बोला था कि फल खाए की जरूरी है तो फल खाए खाए खातिर सबसे अच्छा समय कौन सी है? फजीर के किसान के या फिर खान खाए के मतलब लंच या डिनर के पहले या बाद में सबसे अच्छा कौन सी है? ये किस समय खाना चाहिए ये तो ऐसा कुछ हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है जी आप पूरे दिन भर में तीन चार तो फल खा ही सकते हैं तो कैसे करें आप ब्रेकफास्ट के समय खाए एक लंच के बाद अपने दिन के भोजन के बाद खाए फिर दो तीन बजे भी जब कभी नाश्ते का समय होता है जी, चाय जी। पानी का उस समय भी आप क्योंकि एक अच्छा एग्जाम्पल है फ्रूट एक स्वीट डिश के लिए एक अच्छे स्नैक्स के लिए क्योंकि उसमें फाइबर्स है उसमें मिनरल्स है वाइटाम्स है और फाइबर uh, वगैरह का रोल बहुत बड़ा होता है कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करता है हमारे अब बाकी की प्रॉब्लम्स को भी वो uh, उससे बचाता है वजन कंट्रोल uh, करने के लिए भी फाइबर की है और उसमें नेचुरल शुगर होती है और ख़ास तौर पे आदित्य जी ये जो गर्मी का मौसम है आपको तंदुरुस्त फ्रेश रहना है तो फलों का इस्तेमाल करना चाहिए और बाई चांस इस गर्मी के मौसम में काफ़ी फल उपलब्ध होते जी, हैं जी, जी� मेलन है वाटर मेलन है लीचीज़ है मैंगोज़ है उसके अलावा भी और कई तरह के फल हैं तो हो सके तो लोकल फ्रूट्स भी खाइए एक बार सवाल जी, जैसे कि तू बोला था, अभी हमने के देश एगो ट्रॉपिकल देश है और कई गो फ्रूट्स कई गो फल हमनी के सीजन के हिसाब से मिले दिसंबर महीना खासकर आम और लीची और वाटरमेलन जी, जी। मेलदो खातिर मशहूर है तेलोदों चीज बहुत बोल जाला बारे में ओकर में पानी बहुत ह बकरी तो ओकरा गरम खाएगा तो स्वास्थ्य पर प्रभाव गलत प्रभाव पड़ेगा एक पड़ता है एक एक, एक का है हो? गरम का नहीं फल तो गरम कोई भी फल गरम नहीं करते हाँ हो सकता है कि वो बेचने वाले धूप में बेचते हैं वो गरम हो जाता है जी। पर आप घर में आके फ्रीज में रख सकते हैं फ्रिज देर में रख के उसको ठंडा कर सकते हैं क्यूब्स काट के रख सकते हैं उसका बच्चों के लिए छोटे बच्चे कभी खा नहीं सकते फल ज़्यादा क्वांटिटी या कोई बच्चे पसंद नहीं करते तो आप वाटरमेलन का भी जूस बना सकते हैं मिक्सी में ब्लेंड करके जी, जी, जी. तो इस तरह से आप खा सकते हैं इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा नहीं। गर्म हुआ था फ्रिज में रख के उसको ठंडा कर दीजिए परिवार के लिए आप पहले से ही तैयार करके रखिए पर लेकिन एक है वाटरमेलन भी बहुत अच्छी चीज है बारह महीने हमको नहीं मिलता है नहीं। मैं तो यही कहूंगी अपने सुनने वालों से दर्शकों से कि जो भी लोकल फ्रूट से फायदा जी। इसके बहुत बेनिफिट्स है क्योंकि बारह महीने नहीं मिलेंगे और अलग अलग कलर के जो रंग बिरंगी जो सब्जियां हैं फल है हर एक का एक अपने अपने जगह पे बहुत इम्पोर्टेंस है नहीं। नहीं। जैसे लाल फल है पीले है येलो है और हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है और एक है हमेशा ये समर टाइम में रिफ्रेश करता है बॉडी को जी। तो ये फलों के ही जरिए होता है हमें लगता है जैसे आपने शुरुआत में कहा कि लोग इस दौर पे सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं या जूसेस पीते हैं कमर्शियल वगैरह तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है हमें लगता है उस समय के लिए ठंडा जूस पी रहे हैं ठंडा सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं पर उससे कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है अच्छा। तो क्यों ना हम लोकल फ्रूट्स को इस्तेमाल करें आप सैलड में डालें आप दही में डालें आप उसके स्क्वेज बनाएं या आप उसके जूस बनाएं या आप कई रूप से आप आइडियाज अपनी इस्तेमाल करके अलग अलग तरह से जी जी इसको आप ग्रहण कर सकते हैं जी अभी जैसे तू खान पान के बारे में बोला था एगो चीज है कि एक तो पानी हमने खातिर बहुत जरूरी बात है कोनो भी मौसम हो खास कर अभी जैसे गर्मी चलाता हमने के डिहाइड्रेशन के खतरा हो जैसे जस्ती पसीना ये सब हो हमने के शरीर पानी आ, शरीर से पानी निकले ला तो पानी पिए के भी बहुत जरूरी है अभी खासकर गर्मी खातिर एगो ख़ास मतलब कोनो व्यक्ति खाए खातिर बैठल बा तकते कि खाए के, के बाद में कब पानी पी के पिए के चाहे ला आ, अच्छा सवाल है आदि दीजिए आपने जी. जो पूछा जैसे कि पानी खास तौर पे पानी के लिए ऐसा कोई मतलब ये नहीं कि इस सीज़न में नहीं पी इस सीज़न में पी जी 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 बारहों महीने पानी की मतलब ज़रूरत होती है और पानी ऐसी चीज़ है ऐसा पेय है बहुत नेचुरल जो गॉड गिफ्टेड है और ये शरीर के लिए इतना मतलब जरूरी है कि इसकी जगह कोई नहीं इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते कोई भी कितना भी कोई अच्छा जूस या अच्छा कोई पेय है तो पानी तो बहुत ज़रूरी है और तौर पे समर टाइम में इस गर्मी के मौसम में ज़रूरत बढ़ती जैसे आपने भी खुद मेंशन किया कि स्वेटिंग के रूप में और खास तौर पे जो लोग काम काजी लोग हैं ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं स्पोर्ट्स करते ही तो उनको और भी ज़्यादा तो कम से कम वैसे तो इस दौरान गर्मियों के सीज़न में दो लीटर से ढाई लीटर पानी पीना चाहिए।, पीना चाहिए अब आपने कहा कौन से समय समय को लेके कब पीना चाहिए पानी इसके सबके अपने अपने ख्याल है पर मैं कहूँगी कि यदि हम प्रैक्टिकली सोचेंगे जब हम कहते हैं कि दो लीटर पानी पीना चाहिए तो थोड़ा सा सोच बहुत से लोग जो कम पानी पीते उनको लगता है बापरे दो लीटर यहाँ पे तो एक लीटर पानी पिया नहीं जाता जी, है। जी। तो इसलिए आप इसको इस तरह पे पहली बात मैं सबसे कहूंगी कि आप प्यास लगने की इंतजार में ना रहे जी थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे जैसे कोई काम करते कोई नौकरी कर रहे है काम में है अपने ऑफिस में है अपने टेबल पे बॉटल रखे एक बड़ी बॉटल पानी की इंतज़ार नहीं करें कि कब मुझे प्यास लगेगी तब एक ग्लास पानी पीऊंगी क्या थोड़ा थोड़ा सिप बाय सिप आप पीते रहिए बच्चों को भी वो आदत डाले उनको भी जब आप टिफ़िन देते हैं उनका लंच जब पैक मील वगैरह देते हैं उसके साथ पानी दे जूस वगैरह की जगह इस तरह से वो भी पानी पीने की आदत डेवलप करें बार बार उनको याद दे बच्चे खेल रहे हैं या घर पे भी है कुछ काम कर रहे हो फिर से उनको पानी पूछे और मुझे लगता है एक थोड़ा सा एक हमको भी जो एक तरीका पड़ा है हमारे सोसाइटी में Uh, कोई मेहमान वगैरह भी आते हैं यहाँ भी हम एक स्टेप उठा सकते हैं पानी को लेकर खास तौर पे अभी तो गर्मी का मौसम है लोग थके मंदे गर्मी से धूप से आते हैं जी, जी. तो सबसे पहले पानी पूछना चाहिए ये एक अतिथि सत्कार में भी गिना जाता है जी, जी. और आने वाला भी ठंडा हो जाता है और कूल हो जाएगा आपको कूल फील होगा और यदि आप पानी की ऐसी इस तरह से आप पानी पीते रहेंगे आपको जितनी है कम से कम दो लीटर से ढाई लीटर तक तो आप फ्रेश रहेंगे और आपको फील होगा एनर्जेटिक और आप डिहाइड्रेशन से भी बचेंगे डिहाइड्रेशन भी बहुत एक डेंजरस अवस्था है जिसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है स्वास्थ्य को लेकर तो आप धीरे धीरे आप हाइड्रेट करते रहेंगे बॉडी को और उसके अलावा भी अच्छे अच्छे पेय है कोकोनट वाटर है हो सके तो कोकोनट वाटर जो स्टॉल पे या सुपर में बेचते हैं उसकी जगह पे मैं कहूंगी आप फ्रेश कोकोनट खरीदे आपके घर में हो तो वो फ्रेश कोकोनट वाटर ले जी। लेमन वगैरह हो लाइम जूस लेमन जूस वगैरह ले और जहां बच्चे वगैरह है तो वहां पर भी माताएं अच्छे अच्छे फ्रूट जूस फ्रेश जी। और कभी दूध वगैरह में बनाना डाल के फ्रूट्स और डाल के मिल्क शेक वगैरह बना सकते हैं तो ये भी अच्छे अच्छे पेय है एकदम इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स जी जिसमें ज्यादा शुगर है जो कार्बोनेटेड है जी। इससे कोई भी फायदा नहीं बल्कि नुकसान है तो इसके जगह पे पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अभी जो बच्चे वगैरह है गर्मी के दिनों में पीना नहीं चाहते माओ की शिकायत है कि पानी नहीं पीता है फिर ये मांगता है जूस मांगता है पर नहीं थोड़ा सा आप थोड़ा सा दिमाग चलाए अच्छा अच्छे अच्छे पेय घर पे, पे तैयार करें अच्छे जैसे आपने कहा वाटरमेलन अभी मिल रहा है संतरे मिल रहे हैं मैंगो मिल रहे हैं जो बच्चे खासतौर पे फल नहीं खाते तो उसके फ्रेश जूस कर आप उनको दे, दे सकते, सकते हैं, हैं। जी और पानी भी ऐड कर सकते हैं उसमें तो ऐसा भी पानी जाएगा लेकिन पानी की आदत बहुत जरूरी है जी साधना जी अभी जैसे हम दिसंबर में है जा, और सालान के समारोह पार्टी सब चले ला एगो थोड़ा शराब या कुछ के परंपरा जैसे बातें खाली मॉरिशस में नहीं बल्कि दुनिया भर, भर में।, में ही है गर्मी में खासकर एक असर कैसे होनी के शरीर पे एक्चुअली अभी तो ये न्यू ईयर है तो ये न्यू ईयर आता है इस गर्मी के दौरान जी जी और एक्समस वगैरह है बहुत से फेस्टिव टाइम होते हैं और इस दौरान में तो आदिति जी डिनर पार्टिया भी बहुत चलती है एकदम लोगों का मैंने देखा कि मजा करना फन करना मतलब वो खाने पीने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते एकदम ये फन नहीं है ये एंजॉयमेंट नहीं है नहीं। आप जरूर एंजॉय करें आपके फेस्टिव टाइम को पर खाने पर भी कंट्रोल हो जी मैं समझती हूँ कि कोई खास इसमें फेस्टिव टाइम में जरूर रूटीन जो हमारा खाना है हमारा भोजन उसे थोड़ा हटके स्पेशल डाइट वगैरह बनाते जी। दो बातें दो लोगों को मैं यहाँ कहूंगी एक तो जो पार्टीज ऑर्गेनाइज करने वाले होस्ट होते हैं और दूसरे जो गेस्ट होते हैं इन दोनों पार्टियों को सोच समझकर मेन्यू तैयार करना और खाना खाना जी, इस पर ध्यान देना चाहिए जी जी. आप चूज करिए आपके ऊपर है शरीर आपका है सेहत आपकी है चॉइस भी आपकी है यदि आप सचमुच स्वस्थ रहना चाहते तो अच्छे आइटम्स को जो फूड आइटम्स है अच्छी रेसिपीज है अच्छा है उसको चूज करें थोड़ा बहुत खाने में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं यदि आप हमेशा अपना डाइट रेगुलर और डिसिप्लिन के साथ लेते हैं तो फेस्टिव टाइम में कोई बात नहीं लेकिन आपने जो अल्कोहल की बात की सिर्फ फेस्टिव टाइम में नहीं वैसे तो हम यही कहेंगे अल्कोहल अच्छा, अच्छा नहीं है जी। पर हमारे सुनने वाले जो अभी न्यू ईयर वगैरह के लिए प्लान कर रहे हैं अल्कोहल वगैरह की खरीदने की तो मैं उनसे भी ये कहूंगी सबसे पहले आपका स्वस्थ आप देखें स्वस्थ रहे आप अच्छे हैं आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है तो मॉडरेशन में आप वन इन ए वाइल्ड कभी आप जी ले जी। सकते हैं पर ऐसा नहीं कि पूरा न्यू ईयर या पूरे कितने सप्ताह सप्ताह ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स हो रहे हैं कोई कंट्रोल नहीं है खासतौर पे जिनको डायबिटीज वगैरह हार्ट प्रॉब्लम ओबेसिटी ये सब स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स है तो उन लोगों को इस दौर इस और बहुत ध्यान देना चाहिए उनके लिए पानी ही सबसे उत्तम है और एक बात जब ये फेस्टिव टाइम में जो गाजाक वगैरह बोलते हैं जो खाते हैं फ्राइड चीजें फ्राइड सॉल्टी जितना आप सॉल्टी फ्राइड खाएंगे उतना आपको पीने की इच्छा ज्यादा बढ़ेगी जब आप फ्राइड खाते हैं जब आप सॉल्टी स्नैक्स खाते हैं तो आपको पीने की इच्छा होती है फिर आप पीते भी बहुत है तो इसके लिए भी स्नैक्स में भी बदलाव लाए जैसे आप कम्बर स्टिक्स रखे स्ट्रॉबेरीज रखे या फ्रूट फ्रूट्स के क्यूब्स रखे हेल्दी फूड्स रखे जिससे आपको फ्लूड भी मिलेगा और आपकी जो प्यास है वो ज्यादा बढ़गी नहीं जी। इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स के तरफ साधना जी हमनी के मतलब मॉरिशस में जैसे बहुत परिवार जॉइंट परिवार है त अलग अलग श्रेणी अलग अलग उम्र के जी। और अलग अलग स्वास्थ्य स्थिति के व्यक्ति हो परिवार में जैसे माँ बाप या दादा दादी और लड़का लोग ता एगो परिवार में जे आ, आ, खाना ही सब बनीला ता, तो हर सलाह कौन ची है एगो सही और उचित डायटी पैटर्न खातिर हाँ ये भी एक बात है कि एक परिवार में आज भी ऐसे जॉइंट फैमिलीज है जहाँ पे दादा दादी से लेकिन पोता पोती नाती सब साथ में रहते हैं जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि आपका बैलेंस डाइट जो है संतुलित ये तो हमें रोज़ लेना है हमें दिन की शुरुआत अच्छे ब्रेकफास्ट से करना है हेल्दी ब्रेकफास्ट सीरियल वगैरह ये सब होते हैं फ्रूट्स वगैरह पर कुछ कुछ बातें कॉमन होती है बड़े से लेकर छोटे तक के लिए पर कुछ बातें ऐसी होती क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग है जो एक छोटा बच्चा दो साल का उसकी जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी या बाकी की न्यूट्रिएंट्स की वो सेम नहीं होती है एक दादा दादी की उम्र के लोगों के लिए बुजुर्गों के लिए या जो माता पिता है एडल्ट्स है सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती है उसके मुताबिक फिर ये भी देखना है जो कभी बुजुर्ग जो घर में है तो सीनियर सिटीजन्स की भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती जी, है जी. तो जो खाना बनाने वाले हैं जो जिसके हाथ में ये जिम्मेवार है जी. जो ड्यूटी है कि भोजन बनाना तो मैं यही कहूंगी क्योंकि आजकल की महिला भी काम काज ही है जी. उनको परिवार का भी ख्याल रखना है अपना काम काज का भी बैलेंस रखना है तो उसे भी दिक्कत ना हो तो जब वो खाना बनाए जैसे मैं फिर से रिपीट करूंगी तेल नमक का वापर कम करे पर यदि उस घर में एक आधे व्यक्ति को जैसे मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर है हार्ट की प्रॉब्लम है तो जब भी आप वो कुछ बना रहे कम तेल कम इसमें तेल में नमक में तो आप उनका बिना नमक का खाना अलग निकाल दें नमक डालने के पहले उनको एकदम थोड़ा सा नमक और जो बाकी के परिवार के सदस्य उनमें जस्ट उनको जितना जरूरी है नॉर्मल है वो अब एक्सेस में भी नहीं करना चाहिए पर नॉर्मल पर जो खास तौर पे जिनको लो सॉल्ट डाइट पर रखा गया है तो उनको बिना नमक डाले ही उनका खाना अलग निकाले फिर वो थोड़ा सा डाले इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं जी और साधना जी अभी दिसंबर में लयका लोग के छुट्टी चलता लड़का लोग खेल इस सब में जस्ती जुड़ल हो अभी तो ख़ासकर अभी गर्मी खातिर एगो कौन प्रकार से हमनी सकब जाए उचित डाइट बनाए के लयक लोग खातिर बच्चों के लिए मैं कहूँगी कि बैलेंस डाइट का ध्यान में रखें उनके मुताबिक और दो तीन बातें बहुत जरूरी है डाइट के साथ कैसे खाते हैं उनका फ्रेश खाना हो गर्मियों में सबके लिए फ़्रेश खाना हो उम्र के भी जो लोग हैं वो लोग भी बहुत डेलीकेट होती है उनकी स्वास्थ्य वगैरह बच्चों के भी की भी डाइजेस्टिव सिस्टम बुजुर्गों की डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब हमें सोचना चाहिए खाना बासी ना खाएँ कभी होता है घर का होममेड अच्छे से बनाया हुआ साफ हाइजीन में बनाया हुआ खाना बच गया तो आप अच्छे से प्रॉपरली स्टोर करें फ्रीज जी, में ये ये एक चीज है हाँ, कि स्टोरेज कैसे होना चाहिए हाँ, तो अभी ये मैं इस पर पहले कह इस्तेमाल तो अच्छे से उबाले बच्चों का खाना संतुलित हो बहुत से स्नैक्स वगैरह घर पे रखें हेल्दी स्नैक्स जी, जी, बना के रखें जब आप शॉपिंग कर रहे हैं महिलाओं को ध्यान देना चाहिए उनके घर में बच्चे हैं उनके लिए अच्छे ऐसे नहीं कि हर चीज कमर्शियल अच्छी होती है जो सुंदर दिखती है उसमें क्योंकि दिखने को सुंदर कलरफुल पर वो कलर्स होते हैं प्रिजर्वेटिव होते हैं इसलिए मैं बार बार कहती हूँ जो भी पदार्थ खाद्य पदार्थ पीने के पदार्थे होम मेड हो हमने पहले इस पर डिस्कस कर चुके हैं स्टोरेज बहुत जरूरी है खाना अच्छा बनाए ऐसा बनाए पर साफ सुथरा हो हाइजीन मेंटेन करे जैसे हमारे जो भी अनाज वगैरह है हम ले लेते हैं ज्यादा गर्मी के मौसम में कीड़े वगैरह पड़ते हैं और जल्दी खराब होता है पकाया हुआ खाना भी और जो हम ग्रॉसरीज वगैरह तो उसको आप धूप वगैरह बताए अच्छे साफ़ सुथरे एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रखें और जो पेरिशेबल जो चीज़ें हैं सब्जियाँ फ्लेश फूड फल जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं उसको भी एक प्रॉपर टेम्परेचर में फ्रीज में अच्छे से स्टोर करें लेकिन ज़्यादा फ्रीज भी अलमारी की तरह स्टफ ना करें जी तो उसमें भी एक प्रॉब्लम हो सकती है पर जहां तक ताज़ा से ताजा खाना दे हेल्दी स्नैक्स है नट्स है माय पुडिंग है पुट्टू है सैंडविचेस है फल है अच्छे अच्छे हेल्दी ड्रिंक्स है ये बच्चों को दे और अभी ये फेस्टिव टाइम आ रहा है बच्चों को प्यास लगती है खेलते हैं कूदते है तो उन लोगों को हमेशा एनर्जेटिक रखना चाहिए और देखिए किस तरह से आप अपने बच्चों को हाइड्रेट और खुद घर के बड़े लोग रोल मॉडल बने इसके लिए जी वो खुद अच्छा एक ही टेबल पे अच्छे से खाए एकदम और अच्छा संतुलित आहार के तरफ ध्यान दे साग सब्जियां ये सब भरपूर मात्रा में खाए और एक्सरसाइज बहुत जरूरी एक है एकदम एक्सरसाइज बहुत जरूरी है हमेशा एक्टिव रहे एकदम तो साधना जी जैसे तू अभी बहुत अहम सलाह दिल कि खाए पिए के खास ध्यान रखे के चाह ब संगे व्यायाम और स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी बात है के स्वास्थ्य खातिर सब सलाह खातिर हमनी थोड़ा बहुत धन्यवाद बोलब जा जैसे साधना जी बोलन कि अभी फेस्टिव सीजन चलता सालान के समारोह चलता बकर पार्टी आर खाए पिए के संगे हमने के स्वास्थ्य पर भी खास ध्यान देवे के जरूरत बाते, तोहर खान पान के सीधा असर तोहर स्वास्थ्य पर पड़ेला त पार्टी करबा त एक संगे ही अपन खाए पिए पर के आदत पर भी ध्यान दीह यही सलाह खातिर यही सलाह के संगे हमनी के प्रोग्राम समाप्त हो तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद नमस्कार आदाब